प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजी लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे हद तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। इतना बड़ा जो जनाजा देखकर मैं हैरान रह गया। पहले आप थोड़ा सा जनाजे के हमारे जो देखने वाले हैं वो भी उसके क्लिप्स देख लें, उसके बाद में फिर बात करते हैं आपसे। नारे लग रहे हैं, जो पुलिस कर्मी हैं मशक्कत कर रहे हैं भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए, और इस भीड़ तंत्र में शामिल लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के इस कब्रिस्तान में प्रवेश करने की जुगत में है। देखिए ये जो पुलिस तंत्र है वो लोगों को पीछे करता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और आप देखें, ये देखें ये भीड़ तंत्र, और ये देखें जनाजे में शामिल ये भीड़, और ये भीड़ अभी आगे नहीं जा रही है जो इस भीड़ को। और सामने जनाजा, ये देखिए आपको मुख्तार अंसारी का जनाजा हम सामने दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर। सामने मुख्तार अंसारी का जनाजा आपको दिखाई दे रहा है, और इस जनाजे में जो भीड़ है बेहद खास एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी के। अच्छा, ये तो जनाजा आपने देख लिया, इसके साथ में इसके ऊपर असदुद्दीन वैसी साहब ने क्या कहा वो भी जरा आप सुन लें। ऐसा वाक़ हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है उससे उनकी मौत वाक़ में। जी बहन, आपने दोनों क्लिप्स देख लिए। एक तो आपने देखा कि इतनी तादाद में वहां पर मुसलमानों का जम्मे गफीर है कि जो हजारों की तादाद में लोग हैं, तो गैंगस्टर और क्रिमिनल जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, आरोप नहीं बल्कि आपको पता होगा कि वो बिल्कुल उसके ऊपर हकीकत में है इल्जाम है, तो इतने मुसलमानों का जमा होना हैरान को नहीं है आपकी नजर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1947 से लेकर के 2024 तक मुसलमानों ने भारत को और भारत की सभी सरकारों को चीख चीख कर ये बताया है कि भारत के मुसलमान आतंकी, जंगजू, जिहादी, रेपिस्ट और गैंगस्टर के सपोर्ट में हैं। हमेशा बताया है, अपने अपने तरीके से उन्होंने हमेशा बताया है। ये तो भारत के सरकार और भारत के ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट और भारत में जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठते हैं वो, और भारत की 82.7% सनातनी की भूल है कि वो ये सोचते हैं कि भाई भारत जो है वो फूल का गुलदस्ता है और इसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं और हम सब एक गुलदस्ते में रहते हैं। अरे हम सब एक गुलदस्ते में रहते हैं, और जब मन चाहता है तब जो गुलाब जो है वो कमल को मारने की कोशिश में लगा रहता है। ये हुआ है, हमेशा हुआ है। अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, ये आपको आपको बहुत लगा कि भाई ये हैरान कुन है कि नहीं है, और मैंने आपको बहुत स्मूथली और पोलाइटली कहा कि भाई मेरे लिए तो हैरान कुन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपके साथ ही सेशन किया था जब बदायूं में साजिद और जावेद ने दो मासूम छोटे छोटे बच्चों का गला रेता था और उसकी बोटियां की, और उसके बाद फिर उसका कच्चा गोश्त दांत से काटा और उसका खून जो है वो अपने मुंह पर लगा करके कलमा वलमा पढ़ा। तो उस केस पर जब भी पब्लिक रिएक्शन लिया गया तो मुसलमानों ने किया क्या कहा? मुसलमानों ने कहा कि जिहाद के नाम पे उसने किया है, कुछ बुरा तो नहीं किया है, कुछ गलत तो नहीं किया है, ये मुसलमानों का रिएक्शन था। अब देखिए कश्मीर को आतंकी और खून की नदियां बनाने वाला नंगा बाजार जो बुरहान बना रहा था उसको शहादत का दर्जा किसने दिया था? भारत के मुसलमानों ने दिया था। अच्छा अफजल गुरु की फांसी पर कौन शर्मिंदा हुआ था? भारत के मुसलमान हुए थे। 2023 के विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर यही असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि 20 और मुसलमान एमपी होते तो अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं होती, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये किसने कहा था? भारत के मुसलमान और कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, इंशाल्लाह का नारा लगाया था, दुआएं मांगी थी भारत के टुकड़े करने के लिए। अच्छा अजमल कसब के हाथ में
मजार का पीला और लाल धागा था उसको कार बनाने की कोशिश किसने कौन करता रहा? भारत के मुसलमान और असदुद्दीन ओवैसी करते रहे, और आम आदमी पार्टी के उस वक्त तो वो एक्टिविस्ट रहा करते थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के एमएलए हो गए, उन्होंने तो कोर्ट में अर्जी डाल दी थी कि नहीं वो मजार का धागा नहीं है, वो तो कार है, अजमल खसब तो भारत का ही है। बाद में जब शहबाज शरीफ ने अपने अपने इंटरव्यू में द डॉन न्यूज़पेपर को कहा कि भाई अजमल कसब तो यही सिंध प्रोवांस में रहता था, तब जाकर के इनकी जुबान चुप हुई कि भाई शहबाज शरीफ खुद कह रहा है कि अजमल कसब वहां का था। अच्छा देखिए, कमलेश तिवारी की जिस पांच लोगों ने हत्या की थी, पांच मुसलमानों ने, तो जमायतुल उलमा हिंद ने खुल करके उसका उसकी मदद की थी। उसके बाद फिर आपका भारत के पार्लियामेंट पर अटैक मुसलमान ने ही किया, तो उसके उसके भी मतलब मदद के लिए खड़े हो गए। तो मुख्तार अंसारी मुझे याद है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गोद में बैठ करके पॉलिटिकल चेयर को एमएलए बन करके उसने पॉलिटिकल चेयर को अपना तख्त बनाया था, मुगलों का तख्त बनाया था, और वो जीप में अपने चुन्नू मुन्नू के साथ जब निकलता था, अपने गैंगस्टर की टीम के साथ निकलता था, तो वो हिंदू गलियों में खुली नंगी तलवार लेकर के चलता था, नंगी तलवार, 65 से ऊपर क्रिमिनल केसेस। और उसके बाद फिर 2005 से ये व्यक्ति जेल में था, 7 केसेस जो है वो यूपी गैंगस्टर एक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं इसके ऊपर, जिसमें मर्डर है, किडनैपिंग है, रेप है, मोलेस्टेशन है, उसके बाद फिरौती है, उसके बाद फिर लैंड माफिया है, उसके बाद फिर बम गोली के केसेस है, उसके बाद फिर जेल के अंदर पिस्टल मंगवा करके लोगों को धमकाने के केसेस है, फिरौती मांगने के केसेस है। तो कोई भी केस छोटा मोटा नहीं था उसके ऊपर, हर केस जो था वो आतंकी और जिहादी टाइप का केस था। हिंदुओं को जिस हिसाब से 2005 से लेकर के एक जमाने तक वो जेल के अंदर से भी हिंदुओं को जिस हिसाब से वो ललकारता था, डराता था, वो मतलब मुगलों का ठरके आजम था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो अल्लाह का स्लीपर सेल बना हुआ था, वो कोई मोमिन नहीं बना हुआ था। अब आती है बात कि इलीगल बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वर्थ ₹215 करोड़ ऑफ द गैंग वाज आल्सो स्टॉप्ड बाय द पुलिस इन द पीरियड। आप सोचिए कि एक व्यक्ति मुख्तार अंसारी जो 700 करोड़ से ऊपर की संपत्ति रखने वाला व्यक्ति है, 700 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, और जेल के अंदर बैठ करके भी वो फिरौती करवाता था, वो किडनैपिंग करवाता था, वो रेप करवाता था, वो गोलियां चलवाता था, वो गोटियां करवाता था, और उनकी बेटियां और उनके दामाद और उनके बेटे जेल के अंदर बहुत आराम से उनसे बात करते थे, अब्बा आप कैसे हैं, अब्बा आप अच्छे हैं कि नहीं, आपकी आवाज अब्बा इतनी हल्की क्यों आ रही है, आपकी तबीयत कैसी है अब्बा। मतलब मुजफ्फर भाई, अगर आप किसी का रेप करते हैं तो आपकी बेटी, जब आप जेल जाएंगे तो आपकी बेटी आपको फोन कर करके आपकी खैरियत पूछेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ जिहादी नहीं है मुसलमानों में, जिहादन भी है, जिसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि औरतें ये जो काला टेंट पहन करके, ये जो हिजाब हिजाब लगा करके जो चलती है, इनके दिल में बहुत नफरत है भारत के लिए, ये भारत को अपनी अपनी मातृभूमि और भारत माता नहीं मानती है। हम कोशिश में लगे हुए हैं और अपने दिमाग को समझाते हैं कि नहीं नहीं ये तो भारत माता मानती है, पर ऐसा है नहीं। अब देखिए कि मुख्तार अंसारी के जो ग्रैंडफादर हैं वो ब्रिगेडियर थे, और उन्होंने जी ब्रिगेडियर थे, मैं कोई अच्छी चीज छुपाऊंगी भी नहीं और गलत चीज भी नहीं छुपाऊंगी, अच्छी चीज भी नहीं छुपाऊंगी। मुख्तार अंसारी के अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा अब्बू उनके ब्रिगेडियर रहे हैं, और उनको लायन कहा जाता था, नौशेरा में शेर कहा जाता था, मतलब आर्मी का वो एक ऐसा व्यक्ति थे जिससे पाकिस्तानी आर्मीज के घुसपैठियों के, स्लीपर सेल्स के, आईएसआई के पैर कांपते थे उनका नाम सुन करके, और उनको सरकार ने महावीर चक्र के अवार्ड से भी नवाजा था, इतने बड़े खानदान से आया हुआ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है मुजफ्फर भाई कि ये मुख्तार अंसारी अपने दादा अब्बू पर नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, जैसे मैं अपने पापा पर नहीं गई हूँ, मैं अपनी माँ पर गई। मेरे जितने भी मतलब मेरा जो ऑरा है, मेरे जो बात करने का तरीका है, वो सब कुछ मेरी माँ के जैसा है। मेरे फादर से मेरा चेहरा मिलता है, मेरी एक्टिविटीज मिलती है, लेकिन जो मेरी बातों को रखने का तरीका, वो पूरा मेरी माँ जैसा है। तो उसी तरीके से मुख्तार अंसारी अपने बहुत
इतने महान दादा अब्बू पर नहीं गया, वो अपने चाचा पर चला गया। अब चाचा कौन है ये भी लोगों को, जनता को जानना बहुत जरूरी है। हमीद अंसारी जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और वो भी एक दो साल नहीं रहे, कांग्रेस ने उनको 10 साल उपराष्ट्रपति रखा था, जो बाद में उपराष्ट्रपति के पद से उतरने के बाद वो कैमरा के सामने बोलने लगे कि भाई भारत में मुसलमान जो है वो सिक्योर और सुरक्षित नहीं है, वो कहने लगे। अब मैं हमीद अंसारी साहब के बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने कितने गुल खिलाए हैं। 1990 से 1992 तक वो ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत बनकर बैठे थे, और जब वो भारत के राजदूत बनकर के बैठे थे तो उन्होंने भारत के विरोध में बहुत सारे खुफिया काम किए। जब तेहरान में हमारे रॉ एजेंट, भारत के रॉ एजेंट जब उनसे परेशान हो चुके थे, तो कई बार उन्होंने कभी राजीव गांधी को, कभी मनमोहन सिंह को, ये रॉ एजेंट चिट्ठियां लिखते थे, लेकिन कोई काम भी नहीं होता था। इवन इंदिरा गांधी जी को भी लिखा गया है, तब भी कोई काम नहीं होता था। 2017 में पहली बार उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई होने की संभावना हमारे तेहरान और ईरान में बैठे हुए रॉ एजेंट को संभावना नजर आई, जब मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चलने लगा, और खुद रॉ एजेंट ने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया कि हमीद अंसारी साहब पर एक जांच एजेंसी बैठानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारत के ब्यूरोक्रेट को, डिप्लोमेट को, रॉ एजेंट्स को हमीद अंसारी ने 1990 से लेकर के 1992 तक में जो परेशान किया है और उनको फंसाने की कोशिश की है तेहरान के अंदर और ईरान के अंदर, इस पर हमीद अंसारी को जेल होनी चाहिए। और आज तक हमीद अंसारी को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस और विपक्षी दल लगी पड़ी है, और जैसे ही उनको पता चला कि कहीं ना हमीद अंसारी साहब पर कोई मतलब ऐसा कोई मामला और जांच एजेंसी बैठ जाए, उन्होंने कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। अरे भारत में मुसलमान सुरक्षित। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ मजहब के ठेकेदारों को, बल्कि जो मुसलमान मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंचे थे उनको भी उधेड़ के रख दिया, उनकी भी सच्चाई आपके सामने रखी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।